हेलो मैं यूट्यूब फ़ैमिली कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे जी हाँ हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज का व्लॉग जो है वो बस ऐसे ही आ, दो दिन से जो है वो मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं आ, क्या करूँ इस बात का कैसे जवाब दूँ तो पहले जो आ, वीडियो आई थी कुकिंग विद महरीन की उस पर तो मैं जो है वो चुप रह गई मैंने कहा यार छोड़ो कोई बात नहीं आ, हर किसी की अपनी सोच है हर कोई अपना काम कर रहा है हमें किसी के भी काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए तो फिर उसके बाद जो है कल फिर जो है वो एक वीडियो आई है कुकिंग विद महरीन की तो मैंने कहा यार अभी जो है मुझसे जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे जो है वो थोड़ा सा जवाब उनको देना है और मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि मैंने उनकी जो है वीडियोस कभी भी नहीं देखी जस्ट मैंने उनकी फ़र्स्ट वीडियो तब देखी थी जब उन्होंने भाई गोपाल लोगों का चैनल जब हैक हुआ था तो उन्होंने वीडियो बनाई थी कि उन्होंने अपना चैनल जो है वो ख़ुद बेच दिया है और अब वो जो है वो इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं कि हमारा चैनल जो है हैक हो गया है तो सबसे पहली बड़ी बात ये कि कोई भी इंसान जो है वो इतना बड़ा चैनल जो है अपना ग्रो हुआ हुआ चैनल हमारे लिए तो वो बहुत बड़ा है आ, सो के होना आ, कोई ऐसा खाला जी का काम नहीं है तो कोई भी जो है वो इतना बड़ा चैनल अपना जो है वो नहीं बेचेगा यार कितने पैसे मिल गए होंगे उससे दुगने तो वो उससे वो कमा सकते थे और सिल्वर प्ले बटन भी उनको मिल चुका था तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी शख़्स ऐसा जो है वो कर सकता है तो चले बहरहाल ये एक अलग मैटर था अब हम आ जाते हैं कि कुकिंग विद महरीन ने जो है वो आ, किसी के अतमाद को जो है वो ठेस पहुंचाई है वो इस तरह कि देखें अगर जो है कोई आपके साथ कोई चीज़ शेयर कर रहा है देखें आप आ, उसको किसी और वे में भी बता सकती थी लेकिन आपने जो है वो डायरेक्ट उनकी आ, जो वॉइस मैसेजेस थे वो आ, सुनाए हैं यूट्यूब पे कि भाई फ़लाँ लेडी मुझे इस तरह कह रही है कि इतने पैसों का जो है वो चैनल बना के देंगे फिर उस पर प्रमोशन के अलग पैसे लेंगे तो ये देखें वो आपके साथ मशवरा कर रही हैं सारा उन्होंने भी भाई लोगों को ढूंढा होगा उनसे बात की होगी तब तो उन्होंने आपसे कोई मशवरा नहीं किया और जब पैसे देने की बारी आई तब वो आपसे मशवरा कर रही हैं आप उनको भी देखें और आ, उन्होंने चलें आपसे मशवरा कर लिया है तो आप उनको पर्सनली बता दें कि भाई इस तरह नहीं आप इस तरह कर लें आप चैनल्स जाके देखें जिन जिन के भाई ने प्रमोट किए हैं बाद में उनका जो है वो आ, क्या हो रहा है हम ये नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं होता बहुत कुछ होता है काफ़ी लोग उनके चैनल प्रमोट करने से आगे आए हुए हैं हम भी सबको देखते हैं जिनके भी वो चैनल प्रमोट करते हैं हम भी कोई इतने बेवकूफ़ जो हैं वो नहीं बैठे हुए हैं और दूसरी बात ये कि आप प्लीज़ प्लीज़ दूसरों को इस तरह बेवकूफ़ बेवकूफ़ कहना जो है वो प्लीज़ ना कहें अच्छी बात नहीं है देखें हर बंदा जो है वो अपने आप में समझदार बना बैठा हुआ है देखें हर कोई उम्मीद से जाता है अब अगर मैं गई हूँ तो मुझे ये था कि शायद मेरे में बहुत हुनर है लोग मुझे देखेंगे इस तरह तो लोग मेरे चैनल पर नहीं आ रहे शायद जो आर आए भाई लोगों को देखते हैं वो मेरे चैनल पर आएंगे अब ज़रूरी नहीं है कि जितने आए वो तो आपको कंटिन्यू देखते रहें शायद आप उनकी कैटेगरी के हों ही ना तो वो आप लोगों को देखना ही ना चाहें तो जितने देखना चाहेंगे वो तो आएँगे ना तो ये एक जस्ट होप होती है कि आपको ये लगता है कि शायद इससे हमें फ़ायदा होगा और फ़ायदा होता भी है कुछ लोगों को नहीं भी होता फ़ायदा अब ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे भी आपकी काबिलियत पे भी लेकिन हमें जो है किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि हम किसी को कहें कि आप लोग जो हैं बेवकूफ़ हैं हम देखें कि ये बेवकूफ़ लाए क्या हैं और ये क्या किया है इन्होंने वो क्या किया है यार ये ज़रूरी नहीं है कि वो इसीलिए देखते हैं भाई लोग तो कोई भी छोटी सी भी वीडियो डाल देते हैं तो लोग झपट से नाम बस देखते हैं पढ़ते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं क्या आपके साथ भी ऐसा नहीं हुआ, हुआ हुआ है अभी आपने जो सेकंड लास्ट वीडियो डाली है उस पर आप देखें कि आपके कितने अच्छे व्यूज़ आए हैं जिस जिस का नाम आपने लगाया है ऐसा होता है हम सब ट्राई करते हैं और आप शायद आपने नोट किया हो कि मैंने आपकी वीडियो पे कमेंट भी किया था कि यू आर राइट ठीक है हमें जो है वो ये ग़लत है कि हम अपनी जमा पूंजियाँ को लें और बस ऐसे हुए चैनल्स प्रमोशन में लगा दें यूट्यूब से इतना पैसा नहीं मिलता और अगर आप ये सोचें कि हमें घर चलाने के लिए यूट्यूब पे आना है तो फिर तो बिल्कुल ही ये ग़लत बात है क्योंकि जब तक आपको ये जो है वो आ, प्रूव ना हो जाए कि हाँ मेरे इतने व्यूज़ आ रहे हैं अब जो है इतना पैसा आएगा कि मैं अपना घर चला सकता हूँ तो आप जो है कोई और काम ना करें सिर्फ यूट्यूब पे रहें लेकिन जो है हम जैसे लोग अगर कहें कि हम घर चलाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता इतने व्यूज़ में कुछ भी नहीं होता कुछ भी नहीं होता मैंने अपनी भी एक वीडियो बना के डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि आप देख लें कि के इतने केज आने पर भी जो है वो दो रुपये भी नहीं वो लोग देते तो आप सोच लें कि फिर कितनी मेहनत दरकार है तो आई एम वेरी सॉरी कुकिंग विद महरीन अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो मुझे जस्ट ये बताना था आपको कि प्लीज़ हमें कोई हक नहीं पड़ता कि हम किसी को बेवकूफ़ कहें या किसी की वॉइस मैसेजेस इस तरह जो है वो आ, सुनाएं अगर कोई हम पे अतमाद कर रहा है तो हमें उसके अतमाद को जो है वो ठेस नहीं पहुँचानी है मेरे पास यार हज़ारों मैसेजेस मेरे पास भी आते हैं जब से मैंने पोमी से और भाई से जो है वो प्रमोशन करवाई है मेरे पास न जाने किस किस तरह के आते हैं भाई लोगों को पोमी लोगों को पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं और मुझे कैसे कैसे सीक्रेट्स बताते हैं लेकिन मैंने कभी भी उनको शेयर करने की जो है वो कोशिश नहीं की क्योंकि ये इखलाकी तौर पे अच्छा काम नहीं है हम पर्सनली उस बंदे को समझा सकते हैं कि आप ऐसा काम ना करें या एक छोटी सी वीडियो बना के डाल सकते हैं कि यार कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं चैनल ख़रीद रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है अपनी मेहनत से आप ग्रो करो हाँ आप कलेबरेट करके जो बड़े यूट्यूबर हैं जिनके अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं उनके साथ आप कलेबरेट करके वीडियोस बनाएं शायद आपका कुछ हो जाए और अगर आप कुछ दे सकते हैं तो दे दें तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं ना कि हम किसी की दिल अफज़ाई करें कि भाई आप ये लोग तो बेवकूफ़ हैं लोग आपको देखते हैं कि बेवकूफ़ क्या लेके आए हैं तो आई थिंक ये सब जो है वो ठीक नहीं है हम एक दूसरे के साथ मिल के जो है हमें काम करना है और एक दूसरे की हौसला अफज़ाई करनी है जहाँ पे लोग ग़लत हैं उनको प्यार से मोहब्बत से समझाना है मेरे पास जो है वो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ग़रीब हैं यार मैं भी उनको समझाती हूँ कि इतनी जल्दी यूट्यूब पे कुछ भी नहीं होने वाला और मैंने तो एक दो से प्रॉमिस भी जो है वो कर दिया है कि कोई बात नहीं यार एक बार उनको भी जो है वो मौका मिलना चाहिए तो मैं उनको जो है वो चाहे मुझे अपने से पैसे लगा के जो है भाई लोगों से उनकी प्रमोशन करवानी पड़े तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए ना कि हम लोगों को बिल्कुल जो है वो डीमोटिवेट कर दें और उनका दिल दुखा दें ऐसा नहीं करना चाहिए जहाँ कोई गलत है उसको प्यार से अच्छे तरीके से समझाना चाहिए तो बस यही मुझे जो है ना दो दिन से मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं डाला था मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं क्या करूं तो आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को मेरी वीडियो नहीं भी पसंद आएगी कुछ लोगों को पसंद भी आएगी बस जो भी है मेरे दिल में था मैंने वीडियो बना के डाल दी और ये मुझे कुछ भी मिल नहीं था रहा तो मैंने कहा चलो साथ में सफाई करते हैं घर की और साथ साथ जो है वो आपसे बातें भी शेयर कर लेती हैं और मैं दोबारा से कुकिंग विद महरीन आई एम वेरी सॉरी अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो मेरा कोई डायरेक्टली आपको हर्ट करने या का कोई मकसद नहीं है जस्ट मुझे यह है कि किसी को भी इस तरह बेवकूफ़ कहना या किसी की भी वॉइस मैसेजेस इस तरह सुनाना अच्छी बात नहीं है ये बिल्कुल भी जो है वो इखलाकी तौर पे जो है वो ठीक नहीं है तो आप अगर आपके पास लोग आते हैं तो आप पर्सनली उनको जो है वो समझा दें या कोई वीडियो बनाते हैं तो एक मुशतरक जो है वो बात करें किसी को भी एक बंदे को सामने ना रखें और जहाँ तक रही भाई लोगों की बात तो वो तो ज़िंदा दिल लोग हैं बस अपना काम कर रहे हैं लोगों की हेल्प कर रहे हैं अब ये लोगों पे डिपेंड है कि वो आगे अपने चैनल को किस तरह ग्रो करते हैं तो ये थी हमारी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी अगर किसी को भी मेरी बातें बुरी लगी हैं तो आई एम वेरी 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 सॉरी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपनी दुआ में याद रखिएगा और हमेशा खुश रहिए अल्लाह हाफिज़